दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कल सोमवार को एक प्रश्न पूछा गया कि क्या इस वित्तीय बजट में 23-24 में क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पुरानी पेंशन बहाल करने का विचार करेगी। तो सरकार की तरफ से साफ साफ बोला गया कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करें। एक तरफ सामने मध्य प्रदेश और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इलेक्शंस हैं इसी साल 2023 में, 2 महीने बाद ही, और दूसरी तरफ अगले साल ही लोकसभा के इलेक्शंस हैं। तो ऐसे में इतने बड़ी स्टेट का इतना बड़ा स्टैंड ओपीएस को लेके, पुरानी पेंशन को लेके, क्या आपको लगता है कि क्या ये इफेक्ट करेगा, क्या मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू होगी? आप अपने विचार रखिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब लिपिक वेतन संकट दूर कराने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लिपिकों की वेतन संकट 35 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और वह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन से बड़ा मुद्दा बन चुका है। धन्यवाद।